दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बाजार में एक मौका एक उम्मीद के पदाधिकारियों ने कैंडल जुलूस निकाला। इस दौरान स्थानीय बस स्टैंड पर दो मिनट का मौन रखकर अंब हत्याकांड की गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एनजीओ के सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि दौलतपुर चौक के बाजार में कैंडल जुलूस निकालकर बेटी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सरकार से मांग की गई कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी हो सके। का विषय ये है कि अंब में एक 15 वर्षीय जो लड़की है उसकी गला काट के हत्या कर दी गई। तो उनके माता पिता सक्षम हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो देख सकते हैं उसको। पर हमारी जो चिंता का विषय ये है कि जो जिस मानसिकता के साथ ये हुआ है वो ही बड़ा ही चिंतनीय और दुखद है। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है और बड़ी जल्दी ही उन्होंने उसको पकड़ भी लिया है, पर आगे की व्यवस्थाएं सबूतों के आधार पर होती हैं, कोर्ट कैसे डिसीजन लेता है। तो आज हमारे गगरेट के क्षेत्र या जितने भी आप समझ लें हिमाचल चाहे इंडिया जो भी इस केस को देख रहा है सुन रहा है वो बड़ा ही दुखद है। और हम भी सुबह से दुखद ही है जब ये पता चला कि एक आसिफ मोहम्मद नाम के लड़के ने उसको किया है, ऐसे मारा है और बड़ी दुखद ही तरीके से उसको मारा है, गला रेत कर मारा है, जो हमारा चिंता का विषय है। वो विषय यही है, हमारी चिंता का विषय कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। आज जो हुआ है उसका सख्त से सख्त सजा मिले और पुलिस प्रशासन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के लिए आप एक बार जरूर क्लैपिंग कर दें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। आने वाले समय में यही रहेगा कि कोर्ट में कैसे केस जाता है और कितनी जल्दी सजा मिलती है। जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, उसके माता पिता के दुख को हम। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से एके कालिया की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और एसटी विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा डीडीएम स्कूल में नर्सरी से लेकर 10 प्लस टू तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।